if you Google it, the healthiest breakfast in the world, it will obviously be idli, dosa, uthappam, or those delicious dishes from the south. Welcome to Ella's Magic Pan, friends. Today I bring to you three recipes from down south. The healthiest recipes, the tastiest dishes that you can serve. And the day I made these, Ella's Nanaji, the man of the house, said 1,000 thanks. So you understand the value and the taste of these foods. Go ahead, try them in your kitchen. Simple, easy, quick, and of course delicious. Restaurant style food. Sambar and chutney, all made at home, quick, easy, simple, exactly the Udupi or Krishna restaurant, the way they serve it. That is how it was on my table this morning, sharing the wonderful recipes with you. I'm sure you're going to like the video. Go ahead, watch till the end, and I'll tell you a lot more about these simple dishes and how easy it is to cook. The healthy part, I'm sure you all are aware of. Simple ingredients. I soaked the rice, dal and methi seeds for about 6 hours. Uske baad isko acche se smooth wali paste bana liye aur usme ek chamach sugar dal ke usko acche se humne beat kiya taki iske andar acche se air bubbles aa jaye aur ye fluffy ban jaye. Sugar dala kyunki शुगर हेल्प्स इन फर्मेंटिंग द बैटर. तो बैटर को फर्मेंट होने के लिए एक चम्मच चीनी डाला, उसको अच्छे से बीट किया और ऐसे ही ढक करके करीबन 2-3 घंटा रख दिया. 3 घंटे बाद ये देखिए कितनी फ्लफी हो गई है बैटर. अब इसको इडली बनाएंगे. थोड़ा सा नमक डाला और ये मफिन वाली ट्रे में माइक्रोवेव में बना रहे हैं. इसके साथ इसके ऊपर एक बोल पानी रखेंगे और उसको 3-4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे. ये देखिए 4 मिनट बाद अपना इडली रेडी हो गया है. अब चलिए बनाते हैं डोसा. तो उसी बैटर को थोड़ा और पतला करके एक एक करके पैन में डालेंगे और देखिए बैटर को फैला देंगे. चारों ओर से थोड़ा सा घी डालेंगे और ये जैसे ही हो जाती है क्रिस्प एंड गोल्डन इसको सर्व करेंगे. ये देखिए क्रिस्पी गोल्डन होममेड डोसा इज रेडी. दूसरा भी बना लेते हैं और स्प्रेड कर देंगे. दूसरी डोसा भी रेडी हो गई है. थोड़ी सी आधी चम्मच घी डाल दिया और डोसा आराम से निकल आया. क्रिस्पी गोल्डन करारे कुरमुरे डोसा इज रेडी. तो ये देखिए इडली और डोसा तैयार हो गया है. अब बनाएंगे चटनी और सांबार. ये चटनी देखिए, सांबार देखिए कितनी अच्छी लग रही देखने में. बहुत सिंपल सा इंग्रेडिएंट से मैंने चटनी बनाया. कोकोनट को मैंने गैस के ऊपर बिठा दिया और जैसे वो गर्म हो गया वैसे बाहर वाली जो हार्ड शेल है वो खुद ब खुद टूट के हाथ में आ गया. ये देखिए ये क्रैक हो गई है, इसको निकाल लेंगे. बहुत ही इजी तरीका है नारियल को काटने का. और ये देखिए अंदर से नारियल ऐसी लग रही है. अब इसको छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे और इसको इसमें हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन की कलियाँ डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और जो कोकोनट की पानी है उसको डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे. उसके पहले थोड़ा सा चना दाल को रोस्ट कर लिया था उसको भी मिला दिया. इसमें टेक्सचर अच्छा आएगा और जो क्वांटिटी है चटनी का वो बढ़ जाएगा क्योंकि जो नाना जी हैं हमारे इलाके उनको बहुत ज़्यादा चटनी पसंद है. और इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे खट्टापन के लिए. अब जैसे वो पेस्ट बन गया उसको हम छौंक लगाएंगे. तो एक छोटा सा छौंक वाली पैन में मैंने सरसों डाला, करी पत्ते डाले, लाल मिर्च डाली
और थोड़ा सा उड़द दाल, जैसे उड़द दाल स्पटर करने लगेंगे उसको चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये अपना चटनी रेडी हो गया है। अब चलिए बनाते हैं सांभर। तो अरहर दाल को मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में, अब उसमें एक सीटी डाला था, अब उसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स, ये कच्ची पपाया और ड्रमस्टिक मैंने डाला, उसको एक सीटी लगाएंगे, वो जैसे ही बॉईल हो जाएगा अब तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए मुझे वही डोसा वाला पैन में मैंने सरसों, लाल मिर्च और प्याज के पीसेस डाल दिए, इसको हल्के से फ्राई करेंगे और इसको मिला देंगे दाल के प्रेशर कुकर में और उसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। मैं ज़्यादातर खाना प्रेशर कुकर में पकाती हूँ ताकि गैस कम खर्चा हो, जल्दी बने, टेस्टी बने, हेल्दी बने। तो ये देखिए जैसे ये बन जाती है, फ्राई हो जाती है अनियन, उसमें मैंने सांबार मसाला जो घर में बनाया हुआ है, ये भी हर मसाले के तो चार ही कॉम्बिनेशन होती है ज़्यादातर, तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, इसको गर्म पानी में भिगो के रखा था, थोड़ा सा अदरक भी मैंने उसमें डाला था, जिंजर पाउडर, और सारे अच्छे से फ्राई हो गया, उसको मैंने दाल में मिला दिया। ये देखिए अब ये सांभर में मैं थोड़ा सा इमली की पानी भी डाल रही हूँ। नाउ इट इज़ रेडी। ये बन गया मेरा डोसा, इडली, सांभर और चटनी, सिंपल इजी तरीके से। आप सरप्राइज रहोगे कि चारों साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं, चार स्टेट्स के सांभर चार डिफरेंट टेस्ट में बनती है, वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगी। और ये देखिए ये आज मैंने खट्टा वाला तमिलनाडु वाला सांभर बनाया और ये रेडी टू बी सर्व्ड। अब ये देखिए थर्ड रेसिपी, गोली इडली। गोली इडली टेस्टी, इजी, सिंपल और बहुत ही डिलीशियस वाली बनती है और इसको हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये देखिए इसकी इंग्रेडिएंट्स। गोली इडली बनाने के लिए हम नॉर्मल वाला बैटर यूज़ नहीं किए हैं, हम राइस पाउडर, ये आप रवा से भी बना सकते हो इफ़ यू डोंट हैव राइस पाउडर इन द हाउस। यही बैटर आपको यूज़ करना है तो आप उसको थोड़ा टाइट बनाइएगा। ये देखिए कढ़ाई में मैंने पानी डाला और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया, उसमें एक चम्मच मैंने घी मिलाया, जैसे घी मेल्ट हो जाती है उसमें मैं एक कप राइस पाउडर डालूंगी, आप रवा या सूजी भी डाल सकते हो। नॉर्मल वाली जो बैटर हमने बनाया था उससे आपको बनाना है तो उसमें आप रवा डाल के उसको थोड़ा टाइट करके फिर आप बना सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये देखिए अच्छे से इसको मैश कर लिया ताकि लम्स ना रहे, और जैसे ये मैश हो जाती है इसको मैं गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम है हाथ जल जाएगी, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तब जब तक ये ठंडा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे क्योंकि वो कड़क हो जाएगी। इसमें गोली इडली जो है सॉफ्ट सॉफ्ट टेस्टी वाली बनेगी, तो इसको आप ज़रूर उबाल लीजिए उबला हुआ पानी में डाल के इसको अच्छे से लंप फ्री बनाने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए अब थोड़ी देर बाद मैंने इसका कवर निकाला और ये मेरा गोली इडली वाला जो डो है वो रेडी हो गया। अब इसमें मैं चेक करती हूँ, दिस इज़ फाइन। हाँ, ये इसको मैं अच्छे से अभी गोली बना सकती हूँ इसकी। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने एक टमाटर को अच्छे से स्मोक कर लिया ओपन गैस पे, और इसको स्मोक करने के बाद दो टमाटर चाहिए मुझे, दोनों टमाटर्स को मैं ये स्मोक कर लूँगी और इसके जो छिलके हैं उसको निकाल लूँगी और उसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल के इसकी टेस्टी वाली चटनी बनाएंगे। अब ये है थोड़ा सा चना दाल जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, ये आप मटर दाल भी डाल सकते हो, दोनों का ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है, और उसके साथ कुछ लहसुन के कलियाँ, कुछ लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे और ऊपर से इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे। इमली मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था, उस वाटर को मैंने मिला दिया, इसको चर्न कर लेंगे, चटनी रेडी। अब
गोली जैसे ही मैं बनाती हूँ। अब देखिए छोटे छोटे गोली बनाएंगे और उसको एक प्लेट में सजा लेंगे। फिर इसको माइक्रोवेव में मुझे वार्म करना है। माइक्रोवेव में देने से पहले मैं इसके बीच में एक कटोरी पानी डालूंगी ताकि ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ना बन जाए। अब जब तक माइक्रोवेव में गोलियां रेडी हो रही है तब तक इसका चौक मैं रेडी कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला, मस्टर्ड सीड्स डाला, आई एम एडिंग सम रेड चिलीज, ड्राई रेड चिलीज, सम करी लीव्स, a handful of urad dal will go into this for you know the little crackle when you bite into the goli idlis, so that will add a little crunch to the dish. Yes, see how good that looks. And now the boiled steamed golis are ready. I'm adding it to the kadhai. Acche se isko mix karenge aur upar se सांबार मसाला, ये होममेड सांबार मसाला है। आप पोड़ी भी डाल सकते हो, तो पोड़ी अगर डालते हो, पोड़ी भी पोड़ी की रेसिपी चैनल में है, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कर लेना। अब गोली इडली इज़ रेडी टू बी सर्व्ड विद डिलीशियस टमाटो चटनी। ये देखिए हेल्दी नाश्ता घर में बनाया हुआ 10 मिनट में कितनी अच्छी टेस्टी वाली नाश्ता बन गई है, ज़रूर बनाना, ज़रूर खाना। सी द ग्लीफुल एक्सप्रेशन एला हैज़, that was after she had her first dosa. I wish she would have more. Love you, Ella. And friends, how did it go? Delicious, easy, simple, and a plate full. You can have it for brunch, and trust me, the entire day you don't have to find food. One batter and you can make so many delicious different things, right? On that note, before I go, don't forget to subscribe to the channel. Stay connected with us. Lots and lots of love from Ella.